हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ईद हो या कोई भी फेस्टिवल, हम तरह तरह के डिशेस बनाते हैं जिसमें हमें सलाद को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली रशियन रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसका नाम है मिमोसा सैलेड। ये सैलेड दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है, आपकी टेबल की शान बढ़ा देगा। ये रहे इंग्रेडिएंट्स, इसे आप नोट कर लें। चलिए सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स पता कर लेते हैं। मैंने यहाँ बॉइल्ड और कद्दूकस किया हुआ आलू ले लिया है, कद्दूकस किया हुआ कुकुम्बर ले लिया है, कद्दूकस किया हुआ बीटरूट ले लिया है, कद्दूकस किया हुआ गाजर ले लिया है, नमक और ब्लैक पेपर के साथ बॉईल किया हुआ इस तरह से चिकन ले लिया है, बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न ले लिया है, बॉइल्ड अंडों का वाइट पार्ट को कद्दूकस कर लिया है, उसी तरह से येलो पार्ट को भी कर लिया है, थोड़े चीज ले लिए हैं और डेकोरेशन के लिए रेडिश के इस तरह से पतले स्लाइसेस कर लिए हैं, थोड़े डिल के लीव्स हैं, नमक और ब्लैक पेपर ले लिया है और मायोनीज ले लिया है, जिसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। केक मोल्ड का सांचा ले लेना है और इसका नीचे वाला हिस्सा उतार देना है। इसे सर्विंग प्लेट पर रख लेंगे और इसके बाद हम ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद हम लेयर्स लगाएंगे वेजिटेबल्स की। मिमोसा सलाद जो है बहुत ही कलरफुल होता है और आपकी जो है दावत की टेबल पर रखेंगे तो बहुत ही पसंद किया जाएगा, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। अब सबसे पहले जो है आलूओं की लेयर लगाएंगे। आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से इक्वली फैला देना है और ग्लास या स्पून की मदद से दबा दें ताकि लेयर्स अच्छी सी बनेगी। और आलू में नमक मिर्च वगैरह कुछ भी शामिल नहीं की गई है, तो हर लेयर के ऊपर नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ऐड करना है। उसके बाद जो है हम एक लेयर मायोनीज का लगाएंगे। हर एक लेयर के ऊपर हम मायोनीज की लेयर लगाएंगे, जिससे टेस्ट और ग्रिप अच्छी सी आएगी। सैलेड की लेयरिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर केक का राउंड टेबल होता है वो ले लिया है, कि जिससे सैलेड की लेयरिंग करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम कुकुम्बर की लेयरिंग करेंगे। कद्दूकस करने के बाद कुकुम्बर में से जो पानी निकलता है उसे निकाल लेना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर लेयर के ऊपर थोड़ा नमक और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर रखेंगे और ऊपर से मायोनीज की लेयरिंग करेंगे। पहले हमने वाइट आलू, फिर ग्रीन कलर, अब हम येलो कलर की लेयरिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। इसे रखने के बाद अंडों का जो येलो पार्ट है उसे रखेंगे, जिससे कि हमारे कॉर्न के साथ इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग बनेगी, जब कट करेंगे तो वो फैलेंगे नहीं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और काली मिर्च रखेंगे, फिर हम मायोनीज की लेयर लगाएंगे। ये सलाद बहुत ही कलरफुल और हेल्दी है। अब हम ऑरेंज कलर की लेयरिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने गाजर को बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसे कद्दूकस कर लिया है। ये कंप्लीट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। आप चाहें तो इसमें से कोई एक स्किप कर अपनी मन पसंद सब्जियां यूज कर सकते हैं। गाजर के ऊपर हम चीज की लेयरिंग करेंगे, जिससे हमारे सलाद में एक जबरदस्त सा टेस्ट आएगा। चीज के ऊपर हम बॉइल्ड किया हुआ चिकन रखेंगे और उसे भी अच्छे से फैला देंगे। ऊपर से थोड़ा नमक, काली मिर्च और मायोनीज रखकर उसकी लेयरिंग कर लेंगे।
ये हमारे सलाद की लेयरिंग हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ी देर साइड में रखकर इसे सेट होने देते हैं। जब तक ये सेट हो रहा है, हम डेकोरेशन के लिए कुछ फ्लावर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने मूली के इस तरह से पतले स्लाइसेस कर लिए थे और इसे नमक के पानी में डुबो कर रखा था, जिससे ये नरम हो जाए। जब हमें इसका फ्लावर बनाना हो तो इस तरह से टिश्यू पेपर पर रखेंगे और ऊपर से फिर एक टिश्यू पेपर रखकर इसके पानी को अच्छी तरह से सोख लेंगे। ये ड्राई हो चुके हैं, अब हम इसका फ्लावर बना लेते हैं। फ्लावर बनाने के लिए हर एक स्लाइस को इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे। दस से बारह स्लाइसेस रखने के बाद इसे हम ऊपर से फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने एक इसका रोल बना लिया है। नीचे से दो टूथपिक इस तरह से लगा देंगे ताकि सारे स्लाइसेस एक दूसरे से जुड़े रहें और हम इसका आसानी से फ्लावर बना सकें। खूबसूरत से फ्लावर तैयार हैं। अब देर किस बात की, सलाद को देख लेते हैं, उसे निकाल कर डेकोरेट कर लेते हैं। सलाद सेट हो चुका है, अब सांचे को निकाल लेंगे। बहुत ही ध्यान से हम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए कितना कलरफुल सलाद दिख रहा है हमारा। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन के लिए मैंने कद्दूकस किया हुआ बीटरूट लिया है और उबले हुए अंडे का व्हाइट पार्ट ले लिया है। सलाद के ऊपर प्लस के शेप में हम फॉइल लगा देंगे। ये किस लिए है ये आपको अभी पता चल जाएगा। फॉइल लगाने के बाद ऊपर से हम मायोनीज लगाएंगे। ये हमारा एक तरह से ग्लू का काम करेगा। इस पर हम कद्दूकस किया हुआ बीटरूट लगाएंगे। हाथों की मदद से हम बीटरूट को लगाएंगे और फिर स्पैचुला से इसे दबा देंगे। इसी तरह से चारों ओर हमें बीटरूट को लगा देना है। अब नेक्स्ट हमने जो फॉइल लगाया था उसे हम निकाल लेंगे। और इस जगह पर उबले हुए अंडों का व्हाइट पार्ट जो हमने लिया था उसे सेट करेंगे। ये बीटरूट और अंडे सेट हो चुके हैं। साथ ही हम डिल के कुछ लीव्स को इस तरह से चारों ओर सजा देंगे। ये कंप्लीट आपके ऊपर है, आप अपनी पसंद का कुछ भी डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो फ्लावर बनाया था उस फ्लावर को रखेंगे। ग्रीन ग्रीन डिल के कुछ लीव्स रखेंगे और देखिए हमारा सलाद कितना कलरफुल, कितना हेल्दी और कितना मजेदार बनकर तैयार हो चुका है। मेरी ये डिश आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।